2008 में समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों द्वारा देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में खूनी खेल खेला गया। इस हमले में कई निर्दोष मारे गए थे। उन आतंकवादियों में सबसे खतरनाक आतंकवादी अजमल कसाब था, जिसने रक्तपात का ऐसा खूनी खेल खेला जिससे पूरी दुनिया सन्न रह गई। कसाब ऐसा आतंकी था जिसे जिंदा पकड़ा गया था। कसाब को जिंदा पकड़ने की कई बार कोशिश की गई थी, लेकिन वह हर बार चकमा दे रहा था और अंत में मुंबई पुलिस तुकाराम ओंबले ने सिर्फ एक लाठी के सहारे उसे पकड़ लिया। मुंबई पुलिस कसाब को जिंदा पकड़ना चाहती थी, लेकिन आतंकियों ने फायरिंग कर दी और पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया और कसाब ने भी मरने का नाटक किया। उस समय तुकाराम के पास सिर्फ एक लाठी थी और कसाब के पास AK-47। तुकाराम ओंबले ने कसाब की बंदूक की बैरल पकड़ ली थी। उसी समय कसाब ने ट्रिगर दबा दिया और सारी गोलियां तुकाराम के सीने में जा लगी। ओंबले वहीं गिर गए, लेकिन अंतिम सांस तक उन्होंने बैरल पकड़े रखा ताकि कसाब और किसी पुलिस वाले को न मार पाए। ओंबले ने जिस तरह खूंखार आतंकवादी को जिंदा पकड़ने में मदद की, उनकी बहादुरी को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें मरने के बाद भी अशोक चक्र से सम्मानित किया।